हेलो एव वन वेलकम बैक टू दी क्लास तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एम्स क्यू क्वेश्चन रिलेटेड टू ईसई डिप्टी डायरेक्टर एग्ज़ाम और क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ दैट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्ज़ाम दैन नाउ गो टू अनु जिंदल डॉट इन अनु जिंदल डॉट इन पर जाके बाय कोर्सेज पर क्लिक करिए और ई एस आई पे क्लिक करिए यहाँ पर आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और एक वीडियोस के साथ पूरा कोर्स अवेलेबल है जिसे आप जल्दी से जाके एनरोल कर लीजिए ठीक है अब चलते हैं अपने कोर्स के ऊपर तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है हमें दो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं हमें बताना है कौन सी करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट तो स्टेटमेंट नंबर वन क्या है कि द लेसर द ड्यूरेशन ऑफ अ पे पीरियड द लेसर द रिस्क ऑफ़ अ प्रोजेक्ट इन टर्म्स ऑफ कवरिंग द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट पहली चीज पे बैक पीरियड क्या होता है पे बैक पीरियड वो वो पीरियड होता है मतलब वो रेशियो होती है कि कितने टाइम पे जो हमने इन्वेस्टमेंट लगाई है वो हमारी वापसी आ जाएगी एक एग्जांपल लेते हैं कि लेट सपोज मैंने फाइव हंड्रेड इन्वेस्ट करें फाइव हंड्रेड किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें फर्स्ट ईयर में मेरे को टू हंड्रेड रुपीज का इनफ्लो आया सेकेंड ईयर में मेरे टू हंड्रेड का इनफ्लो आया और थर्ड ईयर में मेरे को हंड्रेड रुपीज का इनफ्लो आया और फोर्थ ईयर में मेरे को सपोज का इनफ्लो आया, आया तो मेरे जो फाइव हंड्रेड है जो मैंने इन्वेस्टमेंट करी है वो कितने ईयर में रिकवर हो रही है मेरे थ्री ईयर में रिकवर हो रही है तो मेरा पे बैक पीरियड क्या हो जाएगा थ्री ईयर्स अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है स्टेटमेंट में क्या दे रखा है कि लेसर द ड्यूरेशन ऑफ पे बैक पीरियड द लेसर द रिस्क ऑफ द प्रोजेक्ट इन टर्म ऑफ कवरिंग द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट बिल्कुल सही बात दे रखी है कि जितना छोटा हमारा पे बैक पीरियड होगा उतनी जल्दी हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर होगी जैसे हमारा यहाँ पे पेबैक पीरियड थ्री था अगर पे बैक पीरियड टू होता टू ईयर्स होता मतलब दो साल के अंदर अंदर मेरे को फाइव हंड्रेड रिकवर हो जाते तो मतलब जितनी छोटी ड्यूरेशन पे पीरियड की उतनी जल्दी हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर होगी तो मतलब स्टेटमेंट नंबर वन तो करेक्ट है अब स्टेटमेंट नंबर टू पढ़ते हैं तो स्टेटमेंट नंबर टू क्या कह रहा है सेंसिटिविटी एनालिसिस ऑफ रिस्क मेजरमेंट तो रिस्क मेजरमेंट के जो हमने एनालिसिस पढ़े थे तो उसमें जो सेंसिटिविटी एनालिसिस है हेल्प्स इन क्रिएटिंग द वेरियस सिनेरियोस दैट आर पॉसिबल इन द केस ऑफ इन्वेस्टमेंट बीइंग मेड इन द प्रोजेक्ट तो ये हमारा गलत है क्यों गलत है क्योंकि जो सैनैरियो होता है वो सनेरियो एनालिसिस में क्रिएट होता है ना कि सेंसिविटी रॉन्ग तो है तो मतलब हमारी एक स्टेटमेंट करेक्ट हो गई स्टेटमेंट वन इज करेक्ट एंड सेकेंड इज रॉन्ग तो राइट right आंसर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर ए स्टेटमेंट वन इज करेक्ट एंड टू इज इन ठीक है चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द स्टॉक बेस्ड ऑन सी ए पी एम मॉडल इफ द सिस्टमेटिक रिस्क इज वन पॉइंट फाइव रिस्क फ्री रेट सिक्स परसेंट मार्केट रिस्क प्रीमियम इज फोर परसेंट तो जो रिटर्न निकालने का फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू सी ए पी एम मॉडल वो क्या होता है वो होता है हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न जो हमारा होता है वो किसके बराबर होता है अकॉर्डिंग टू सी ए पी एम मॉडल रिस्क फ्री रिटर्न प्लस जो बीटा होता है हमारा उस स्टॉक का इनटू रिस्क प्रीमियम ऑफ मार्केट यही होता है रिटर्न निकालने का फॉर्मूला हमारा सीएपीएम मॉडल में अब हमें रिस्क फ्री रिटर्न कितना दे रखा है जो रिस्क फ्री रिटर्न दे रखा है वो सिक्स परसेंट दे रखा है तो रिस्क फ्री रिटर्न हो गया हमारा सिक्स परसेंट जो बीटा हो गया वो हमारा सिस्टमैटिक रिस्क होता है बीटा सिस्टमेटिक रिस्क बीटा की वैल्यू कितनी देर रखी है और जो मार्केट रिस्क प्रीमियम है वो फोर परसेंट है तो ये क्या आ जाएगा सिक्स परसेंट प्लस सिक्स परसेंट ट्वेल्व परसेंट तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया ऑप्शन नंबर ए ट्वेल्व परसेंट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा इफ द द द प्रेजेंट प्रेजेंट वैल्यू वैल्यू ऑफ ऑफ कैश कैश इनफ्लो आर ग्रेटर देन आउटफ्लो प्रोजेक्ट वुड बी क्या होगा प्रोजेक्ट का तो प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो की जो इनफ्लो है वो हमारी बड़ी है किससे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो तो ये डायरेक्टली बात किसकी कर रहा है हम ये किस चीज में चेक करते हैं कि जो हमारा इनफ्लो है वो ज्यादा है आउटफ्लो का मतलब जब हम इन्वेस्टमेंट करनी होती है तब ये चीजें चेक करते हैं कि जितना पैसा बाहर जा रहा है प्रोजेक्ट में उससे ज्यादा हमें इनफ्लोर है अगर इनफ्लो ज्यादा है आउटफ्लो से तो हम क्या करेंगे इन्वेस्टमेंट को एक्सेप्ट कर लेंगे उसमें इन्वेस्टमेंट क्रिएट कर लेंगे यही होगा तो ये क्या हो जाएगा एक्सेप्ट हो जाएगा हम एनपीबी निकालते थे याद हो तो एनपीबी में क्या करते हैं यही करते थे कि इनफ्लो आउटफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू चेक कर कंपेयर करते थे तो इधर बोल रखा है क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर में कि जो इनफ्लो है उसकी प्रेजेंट वैल्यू जो निकाल रहे हैं वो ज्यादा आ रही है आउटफ्लो से जब हमारे पास पैसा आ ज़्यादा रहा है और जा कम रहा है तो हम प्रोजेक्ट को क्या करेंगे एक्सेप्ट करेंगे तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया ऑप्शन नंबर ए एक्सेप्टेड ठीक है चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिटल बजटिंग इज एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ मेकिंग डिसीजन इन तो कैपिटल बजटिंग होता क्या कैपिटल बजटिंग की हमने टेक्निक्स पढ़ी थी है ना क्या क्या टेक्निक्स पढ़ी थी कि जो हमें इन्वेस्टमेंट करनी है जैसे एनपीवी आईआरआर जो हमें इन्वेस्टमेंट करनी है लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए उसको हमने एनालिसिस करना सीखा था कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं चाहिए अब वो जो इन्वेस्टमेंट होती है हमारी किस पे होती है करंट एसेट्स पे फिक्सड एसेट्स पे या प्रोडक्शन रिलेटेड या सेल्स रिलेटेड सर जो हमने इन्वेस्टमेंट लिए थे फाइनेंसिंग के डिसीजन लिए थे इन्वेस्टमेंट के सॉरी फाइनेंसिंग नहीं इन्वेस्टमेंट के डिसीजन लिए थे वो किस चीज़ के लिए थे कि हमें स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए क्या हमें स्पेसिफिक एसेट में इन्वेस्ट करना नहीं चाहिए चाहिए या नहीं चाहिए तो जो कैपिटल बजटिंग के डिसीजन होते हैं इन्वेस्टमेंट के डिसीजन होते हैं वो किससे रिलेटेड लिए जाते हैं वो लिए जाते हैं हमारे फिक्स एसेट से रिलेटेड तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी फिक्स एसेट्स समझ आ रहा है ना चले आगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्या कह रहा है कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मींस विच ऑफ द फॉलोइंग वुड टेक प्लेस अब ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब क्या होता है ध्यान से सुनना ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मीनिंग ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब होता है कि जब कंपनी डेट से पैसा उठा के प्रॉफिट अर्न कर रही हो और वो पैसा इक्विटी शेयर होल्डर के पास जा रहा हो मान लो मैंने किसी से टेन थाउजेंड रुपीज लोन ले लेते हैं टेन थाउजेंड रुपीज लोन लिए बिजनेस करने के लिए और उसने मेरे को जो लोन दिया टेन परसेंट इंटरेस्ट पे दिया पर है ना तो मतलब हंड्रेड रुपीज का थाउजेंड रुपीज का मेरे को इंटरेस्ट देना होगा अगर जिस बिजनेस के लिए मैंने लोन लिया वो मेरे को ट्वेंटी का रिटर्न दे रहा हैं

तो उसी चीज को इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं ट्रेड ऑन इक्विटी और करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यूज ऑफ लिवरेज टू इंक्रीज एनपीवी नहीं यूज ऑफ लिवरेज टू इंक्रीज ईबीआईटी नहीं यूज ऑफ इक्विटी टू इंक्रीज ईपीएस तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यूज ऑफ लिवरेज टू इंक्रीज ईपीएस तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि जो ईपीएस होता है वो क्या होता है अर्निंग पर शेयर पर क्या होता है? जो ओनर्स को पैसा दिया हमने ओनर्स के लिए जो हुई, ट्रेडिंग और का मतलब मतलब क्या था, वो जिससे मतलब हम एक्स्ट्रा कम के दे रहे हैं लोन लेके जैसे अगर का point of view लो, ने बाहर से डेट उठाया कंपनी ने डेट उठाया मतलब करा जब कंपनी ने लीवरेज करा डेट उठाया और डेट को पेमेंट करने के बाद भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रही है तो उस प्रॉफिट को कहा डिस्ट्रीब्यूट कर रही है इक्विटी शेयर होल्डर्स को तो वही हमारा प्रोसेस पूरा क्या होता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी ठीक है चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिविडेंड इज नॉट रेलिवेंट इन दैल्युएशन ऑफ कंपनी हु दी तो जो डिविडेंड मॉडल्स हमने पढ़े थे उसमें दो तरह के पॉइंट वो हेडिंग्स डाली थी क्या हेडिंग्स थी कि एक तो वो पर्सन जो बिलीव करते हैं कि जो हमारी वैल्यू निकलेगी शेयर का प्राइस निकलेगा या मार्केट प्राइस है वो डिविडेंड से इफेक्ट होता है और सेकंड ओपिनियन के पर्सन स्कूल ऑफ थॉट के पर्सन कौन थे जो ये बिलीव करते थे कि जो हमारा डिविडेंड है वो इफेक्ट नहीं करता हमारे मार्केट प्राइस को या शेयर के प्राइस को तो जो पहले वाले केस में हमने किस किस की बात करी थी वॉल्टर और मिलर गॉर्डन uh, की गॉर्डन मॉडल की इन दोनों के अप्रोचेस की और कौन था जो ये बिलीव नहीं करता था कि जो डिविडेंड है वो वैल्यूएशन में हेल्प करता है तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जहां पे हमने एम MM एम अप्रोच की बात करी थी मिलर की अप्रोच की बात करी थी ठीक है चले डायरेक्ट क्वेश्चन था तो ने तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है नंबर कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखी है ईपीएस दे रखा है आईआरआर दे रखा है रिटेंशन रेशियो दे रखा है हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ शेयर एज पर गॉर्डन मॉडल तो हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ शेयर एज पर गॉर्डन मॉडल गॉर्डन मॉडल के अकॉर्डिंग वैल्यू ऑफ शेयर का प्राइस का क्या ऑप्शन होता था जो प्राइस ऑफ शेयर होता था वो किसके बराबर होता था अर्निंग माइनस ग्रोथ यही फॉर्मूला होता था और ग्रोथ को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ग्रोथ का फॉर्मूला क्या होता है रिटेंशन रेशियो इनटू रेट ऑफ रिटर्न यही होता है रिटेंशन रेट ट्वेंटी रिटर्न ग्रोथ हमारी किसके बराबर आ जाएगी ग्रोथ आ जाएगी जो ग्रोथ हो जाएगी वो हो जाएगी हमारा रिटेंशन रेशियो कितना है? 60 तो और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हमारा एट परसेंट तो जीरो पॉइंट जीरो एट तो ये आ जाएगी ग्रोथ हमारी आ गई जीरो फोर एट ये हमारी ग्रोथ आ गई ठीक है अब इसको फॉर्मुले में डाल देंगे अर्निंग कितनी दे रखी है अर्निंग पर शेयर टेन रुपीज दे रखा है रिटेंशन रेशियो सिक्सटी परसेंट दे रखा है तो माइनस करेंगे कॉस्ट ऑन इक्विटी हमारा तो ये होगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल टेन परसेंट तो ये जीरो पॉइंट वन माइनस जीरो पॉइंट जीरो फोर एट तो ये आ जाएगा टेन इंटू जीरो पॉइंट फोर हमारा आ जाएगा फोर रुपीज और नीचे को माइनस कर लेते हैं पॉइंट वन माइनस पॉइंट जीरो फोर एट इसकी वैल्यू आ गई जीरो पॉइंट जीरो फाइव टू तो फोर डिवाइडेड बाय फाइव टू इसकी वैल्यू आ जाएगी 76.92 सिक्स पॉइंट नाइन टू तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सेवेंटी सेवन जो है अप्रॉक्स हमारा नियर बाय गिवन है ठीक है गॉर्डन मॉडल के अकॉर्डिंग हमें वैल्यू फाइंड कर लेनी है कॉस्ट ऑफ और मतलब प्राइस ऑफ शेयर की चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन क्या इन सफिशेंट वर्किंग कैपिटल इन एनी एंटरप्राइज में आल्सो रिजल्ट इन टू मतलब जो हमारे वर्किंग कैपिटल है वो कम हो जाती है तो उससे क्या क्या कॉन्सिक्वेंसिस होते हैं ऑप्शन नंबर ए हैं फेलियर टू अडोप्ट चेंजेस बिल्कुल ठीक पहली चीज तो वर्किंग कैपिटल होता क्या है वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल जो एक फर्म को डे टू डे रिक्वायरमेंट्स में अपने पास मेंटेन रखनी पड़ती है कैश अपने पास मेंटेन रखना है, पड़ता है अगर वो इनसफिशिएंट है मतलब उसकी कमी है तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उससे क्या क्या कॉन्सिक्वेंस आ सकते हैं तो क्या क्या आ सकते हैं फेलियर टू एडॉप्ट चेंजेस बिल्कुल ठीक बात है देखो अगर मेरे पास कंपनी के पास वर्किंग कैपिटल नहीं होगी तो अगर उसके पास कोई नए चेंज लाने होंगे तो उसके पास कैश की प्रॉब्लम होगी तो चेंजेस नहीं ला पाएगी ओवर कैपिटलाइजेशन गलत जब हमारे पास इनसफिशेंट होती है वर्किंग कैपिटल तो हमारे पास क्या होता है अंडर कैपिटलाइजेशन बल्कि रिड्यूस अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट बिल्कुल ठीक बात हम किसी को ट्रेड या कैश डिस्काउंट नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास खुद के पास ही कमी है रिड्यूज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल्स बिल्कुल ठीक बात क्यों अगर मान लो हमारे पास कोई वो आ जाता है और वो आ जाता है क्या कहते हैं अपना कोई ऑफर आ जाता है कि आप इतनी प्रोडक्शन करके दें तो हम उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी जो करंट है वर्किंग कैपिटल कम चल रही है तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर मतलब हमारे तीन पॉइंट्स ठीक है और फोर तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वन थ्री एंड फोर ओनली ठीक है चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा वट इज द डिविडेंट कवर रेशियो मेजर्स ऑफ डिडेंट कवर रेशियो क्या होता है डिविडेंट कवर रेशियो क्या होता है अर्निंग्स अर्निंग्स जो कंपनी कर रही है अपॉन में टोटल यही होता है और इससे कंपनी चेक क्या करती है मतलब इससे पता क्या चलता है हमें इस रेशियो से पता चलता है मान लो अगर इसका आंसर आ गया फाइव तो मतलब कंपनी के पास इतना प्रॉफिट हुआ है इतनी अर्निंग्स हुई है कि वो जो अभी डिविडेंड दे रही है उसको फाइव टाइम दे सकती है मान लो अगर लेट सपोज कंपनी की अर्निंग्स अर्निंग रुपीज और कंपनी ने जो तो टोटल डिविडेंड दिया टू हंड्रेड रुपीज दिया तो हमारा ये क्या आ जाएगा आ जाएगा आ डिविडेंड कवर रेशियो मतलब अगर कंपनी जो अभी करंट डिविडेंड दे रही है 200 रुपीस का उसके पास इतनी कैपेसिटी है है कि वो टाइम्स दे सकती है उसका वो होता है हमारा डिविडेंड कवर रेशियो तो ऑप्शन क्या हो जाएगा पहला पढ़ लेते हैं हाउ मेनी टाइम्स द कंपनी अर्निंग कुड पे द डिविडेंड बिल्कुल ठीक बात एक बार बाकी भी चेक कर लेते हैं द इंटरेस्ट और द कूपन रेट एज अ परसेंटेज नहीं रिटर्न टू इंग हाउ मच दिवि ए हाउ मेनी टाइम्स अर्निंग कोट पे दिवीडेंड ठीक है चले एक लास्ट क्वेश्चन की और एक और देख लें तो ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर टेन और ये मैंने स्पेसिफिकली लेवल ऊपर करने के लिए कौन सा डाला है असर्शन और रीजनिंग वाला डाला है देखो तो अब क्वेश्चन क्या दे रखा है असर्शन में कि सिस्टमैटिक रिस्क इज द फ्लक्चुएशन इन द रिटर्न ऑन सिक्योरिटीज दैट ड्यू रिटर्निटीज माइक्रो फैक्टर्स कुड बी पॉलिटिकल सोशल और इकोनॉमिकल फैक्टर्स दैट अफेक्ट द बिजनेस तो पहली बात तो सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है देखो तो जब हम बिजनेस रिस्क की बात करते हैं या शेयर प्राइस के रिस्क की बात करते हैं तो रिस्क को दो पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं एक हमारा रिस्क कहलाता है सिस्टमेटिक रिस्क और एक होता है अनसिस्टमेटिक रिस्क सिस्टमेटिक रिस्क वो रिस्क होता है जो सारी ही फर्म्स को एक साथ अप्लाई होता है जैसे अगर गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी चेंज कर दी या गवर्नमेंट ने टैक्स रेट बढ़ा दिया तो वो क्या होगा या गवर्नमेंट ही चेंज हो गई तो वो क्या होगा सबको एक साथ इफेक्ट करेगा सारी कंपनीज को यही होगा या मान लो कोई और इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है या इन्फ्लेशन बढ़ रहा है वो क्या होगा सारी ही कम फर्म्स को एक साथ इफेक्ट करेगा तो वो हमारे रिस्क क्या कहते हैं सिस्टमेटिक रिस्क और अनसिस्टमेटिक रिस्क कौन से होते हैं जो स्पेसिफिक टू बिजनेस होते हैं जैसे अगर हमारा ऑयल प्राइस बढ़ गया अगर ऑयल प्राइस बढ़ जाएगा तो क्या वो एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इफेक्ट करेगा नहीं करेगा वो किसको इफेक्ट करेगा सिर्फ ऑयल इंडस्ट्रीज को या जिसे ऑयल चाहिए होता है तो जो बच गए मतलब जो एक स्पेसिफिक कंपनी या स्पेसिफिक बिजनेस से रिलेटेड रिस्क होते हैं उन्हें हम कहते हैं अनसिस्टमैटिक रिस्क तो सिस्टमेटिक रिस्क में क्या बात करी हुई है बिल्कुल ठीक बात करी हुई है जो पॉलिटिकल सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं जो सभी बिजनेस को इफेक्ट करते हैं वो हमारे होते हैं सिस्टेमेटिक रिस्क अब रीजन क्या दे रखा है सिस्टमैटिक रिस्क आर फर्दर डिवाइडेड डिड टू कैटेगरीज बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क तो जो बिजनेस और फाइनेंशियल रिस्क होते हैं ये हमारे सिस्टमेटिक रिस्क नहीं होते हैं। क्योंकि जो बिजनेस रिस्क हुआ बिजनेस बिजनेस रिस्क रिस्क मतलब इनकम का risk. अब हर एक बिजनेस की इनकम की एक साथ थोड़ा गिरेगी ये तो बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है तो ये हमारा क्या है अनसिस्टमेटिक रिस्क तो मतलब ये जो रीजनिंग है गलत दे रखी है हमें तो मतलब ऊपर वाली स्टेटमेंट सही है नीचे वाली गलत है तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए एंड आर आर करेक्ट तो गलत है बहुत ए आर इनकरेक्ट गलत है बोध दोनों भी इन गलत है तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन ए इज करेक्ट एंड आर इज इनकरेक्ट ठीक है दैट्स ऑल फॉर टूडे बाय बाय टेक केयर सी यू सून